हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग न्यू चैप्टर, चैप्टर थर्ड ऑफ द नाइन्थ क्लास साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, व्हाट इज एटम्स? द स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. किसी भी चीज़ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? एटम्स. एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल. ठीक है, एटम्स क्या है आपकी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. ठीक है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है या मैटर है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम मेटल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके सोडियम जो एलिमेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो आपका सोडियम है वो क्या है, बहुत सारे सोडियम एटम्स का मिलके बना है. मतलब यहाँ पे इस एलिमेंट के पास क्या है, बहुत सारे सोडियम के एटम प्रेजेंट है. ठीक है, इस टाइप से एनी. ठीक है, तो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. ठीक है, अब जो एटम्स है इसके क्या है, बाद में फर्दर जो स्टडी किया साइंटिस्ट ने, इसके क्या है, सब पार्टिकल्स है. ठीक है, वो हम फर्दर चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं जो एटम्स है? ठीक है, वन एटम वो किस चीज़ का बना होता है? किसी भी एलिमेंट का वो बना होता है प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो प्रोटोन एटम क्या है, एटम के सब पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटोन पे आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस जो सेंटर ऑफ द आपके एटम में प्रेजेंट होता है. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं. ठीक है, इस टाइप से क्या है, अरेंजमेंट है. ये फर्दर हम स्टडी करेंगे इसके बारे में. ठीक है, फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स. जब आपके क्या है वन एंड टू एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स या सिमिलर एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, या कार्बन O2. ठीक है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल. ये क्या है, सिमिलर एटम का होमो मॉलिक्यूल्स और ये हेटरो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इस टाइप से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, सिंस अर्ली सेवनटीन सेंचुरी द साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ द वास्ट रिसर्चर कैरिड बाय देम दे केम टू कंक्लूजन दैट द केमिकल कम्बिनेशन आर बेस्ड अपॉन द सर्टेन लॉज दीज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ए नंबर ऑफ लॉज हैव बीन प्रपोज्ड आफ्टर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आउट ऑफ दीज टू लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन आर गिवन बिलो देयर आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? मीन्स आपके जब भी कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स आपका कंबाइन करता है, ठीक है, ये सॉरी कोई एलिमेंट या एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है आपके कंबाइन करता है और डिफरेंट टाइप के क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सर्टेन लॉज आपके फॉलो करता है. ठीक है, उन्हीं लॉज को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. व्हेन
केमिकल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब भी आपके केमिकल सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, देन कम्बिनेशन फॉलोज सर्टेन लॉज, दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये वो क्या है, जब कंबाइन करते हैं तो सर्टेन लॉज आपके फॉलो करते हैं, और उन लॉज को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर में टू लॉज है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी नो दैट इन ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस। द लॉज डील्स विद द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शंस। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये क्या है, जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या है, रिएक्टेंट्स आपके क्या है, R1 R2, ठीक है, कोई रिएक्टेंट्स आपके क्या है, कंबाइन करते हैं और आपका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन करते हैं और वो क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, या जो भी आपके प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, सर्टेन रूल्स आपके लॉज फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो डील करता है आपका रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास के साथ, ठीक है, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या प्रोडक्ट या केमिकल रिएक्शन में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटिनो लुइजर इन 1774। ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो एंटिनो लुइजर है, इनको क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला गया है, ठीक है। The law may be stated as the total mass of the product in the physical change or any chemical reaction is equal to the total mass of the reactants that have combined। ये क्या बोलता है कि total mass जो आपका product का है, चाहे वो केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, ठीक है, वो इक्वल होगा आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट हैव कंबाइंड, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मीन्स प्रोडक्ट का मास आपका इक्वल होगा रिएक्टेंट के मास के इक्वल। द लॉ मे बी आल्सो स्टेटेड एन अदर फॉर्म, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी आपका क्या है, कोई फिजिकल रिएक्शन होती है, चाहे केमिकल रिएक्शन होती है, तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ आपका वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब टोटल जो मास है वो अनचेंज्ड होगा और कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। कंजर्व का मतलब होता है कि टोटल जो आपका मास है वो अनचेंज्ड होगा, ठीक है। द लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रिक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। एक्सप्लेनेशन, लेट अस ट्राई एनालिसिस एज व्हाट हैपन्स इन ए केमिकल रिएक्शन। टू अंडरस्टैंड द सेम, लेट अस कंसिडर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। वेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएक्टेंट प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन वाटर एंड मिक्स, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब होती है, तो वाइट प्रेसिपिटेट आपके बेरियम सल्फेट के फॉर्म होंगे और सोडियम क्लोराइड साथ में रिलीज होगा, ठीक है। इफ वी टुक एट दिस रिएक्शन वी फाइंड दैट एक्सचेंज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हैज बीन टेकन बिटवीन द रिएक्टेंट्स ऑफ क्लोराइड पार्ट एंड बेरियम पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्लोराइड का जो आयन है वो इधर मूव कर रहा है और आपका सल्फेट का बेरियम के साथ मूव कर रहा है, ठीक है।
एज सच नो लॉस और गेन ऑफ मास, यहाँ पे ना तो आपका कोई एडिशनल मास ऐड हो रहा है ना ही आपका, बस एक्सचेंज हो रहा है आपके रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयंस का है, ठीक है। तो टोटल मास जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या है, सेम कॉन्स्टेंट। इन अदर वर्ड्स द मास मास रिमेन्स कंजर्व्ड एंड इट डज नॉट चेंज, मतलब टोटल मास आपका क्या है, कंजर्व्ड है, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। सिमिलरली आप एक बार देख लो, मीन्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, या टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्शन। सपोज वी हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड इट फॉर्म प्रोडक्ट सी, ठीक है, आपके पास दो रिएक्टेंट्स है ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है सी, ठीक है। तो अगर आपने ये 10 ग्राम लिया है, ठीक है, बी भी 10 ग्राम है, तो मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या है, 20 ग्राम, मीन्स टोटल जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल टू आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास H2 प्लस Cl2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2HCl आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 एटम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 एटम आपके क्लोरीन के प्रेजेंट है, तो यहाँ पे HCl के आपके कितने, 3 तो यहाँ पे आपके HCl के कितने है, 2 मीन्स मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे H और Cl के, 2 इसके 2 इसके, मीन्स टोटल क्या है, 4 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है, आपके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, मीन्स मास भी इनका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू एटम्स आपका ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर फर्दर आप एग्जांपल ले लो, H2 गैस, ठीक है, और O2 गैस, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, 2H2O, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप बात करेंगे, 2 आपके हाइड्रोजन के है, मीन्स अगर एटॉमिक मास ले लो तो ये क्या है, 4 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का है 2 × 16, मीन्स ये क्या है, 32 ग्राम टोटल मास। यहाँ तो हमने एटम्स लिए थे ना, ठीक है, यहाँ पे हमने मास नहीं लिया था, यहाँ एटम की टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी आपके इक्वल होंगे बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो मास है, टोटल मास देखो यहाँ पे क्या है, 4 हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ गया, 2 ×, ठीक है, H2 कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स प्लस आपके ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, ठीक है, 2 × ऑक्सीजन के भी 2 है, 16, ठीक है, 2 × 4, ठीक है, 4 + 16 × 32, तो ये टोटल कितना हो गया, 36 ग्राम, ठीक है। तो मीन्स टोटल यहाँ पे जो रिएक्टेंट का ये भी 36 ग्राम है, प्रोडक्ट में भी आपका 36 ग्राम फॉर्म हुआ, मीन्स आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या बताता है कि टोटल जो आपका मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है।